Hello everyone, how are you all? Welcome back to our YouTube channel. Although I should welcome you all to this YouTube channel, and you know the name of this YouTube channel is Padhako Junction, and where we will be providing you all the commerce classes relevant to class 11th or class 12th. And आज हम लोग class 11th का business study start कर रहे हैं. And you know guys, before I start, I feel like first of all यू नो किसी भी सिलेबस को किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें एक यू नो ब्लूप्रिंट हमें चाहिए होता है कि यार हम पढ़ने क्या जा रहे हैं. एंड नॉट फॉर जस्ट नेक्स्ट क्लास, एक क्लास का नहीं, बट फॉर द होल सिलेबस एटलीस्ट एक ब्लूप्रिंट तो बनता है कि भैया क्या पढ़ेंगे पूरे सिलेबस में, ये सब्जेक्ट है किस लिए, है ना, मोटिव क्या है. सो आज का जो मैंने इसमें यू नो वीडियो रखा है, इसमें मैं आपको सिलेबस का ओवरव्यू बताऊंगी. आई विल टेल यू दैट लाइक व्हाट आर द टॉपिक्स जो आप पढ़ोगे, ये सब्जेक्ट किस बारे में है. एंड यू नो इसके इसको पढ़ने से आपको अदर देन योर मार्क्स क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं. तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं. तो सिलेबस ओवरव्यू मैं आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, जिसमें मैंने बिजनेस स्टडीज और जो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है दैट इज 22-23, इसके लिए मैंने सिलेबस ब्रेकडाउन डाला है. इसमें से आप अगर देखेंगे तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आप अगर देखेंगे तो जिसमें थ्योरी इज फॉर 80 मार्क्स. थ्योरी क्या मतलब क्या है, पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये बिजनेस स्टडीज ना लोग बोलते हैं कि इट्स काइंड ऑफ अ थ्योरी सब्जेक्ट, बट गाइस थ्योरी और प्रैक्टिकल में यही फर्क होता है. जो समझ में आ जाए वो प्रैक्टिकल है, जो समझ में ना आए इसमें रट्टा मारना पड़े दैट इज थ्योरी. तो बिजनेस स्टडी को हम समझेंगे, सो इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फॉर अस, ठीक है. तो इसमें थ्योरी का मेरा मतलब है कि एग्जाम जो आपको लिखना है दैट इज एग्जाम कितने नंबर का होगा, दैट्स फॉर 80 मार्क्स, ठीक है. एक आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनती है ना, आपको पता होगा 20 नंबर लगते हैं, मैडम लगाती है, सर लगाते हैं. तो प्रैक्टिकल ये वो फाइल जो आपको रेडी करनी है प्रोजेक्ट के लिए, तो उसको भी करते साइड. अब आते हैं अपना एग्जाम वाले पे, जो एग्जाम 80 नंबर का हमें लिख के आना है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे. देखो टू टर्म्स होती है आपको, फर्स्ट टर्म्स में आपका हाफ सिलेबस आता है ऑलमोस्ट, और फिर जो फाइनल टर्म होती है उसमें पूरा सिलेबस आता है, ये आपको पता है. सो जो फर्स्ट टर्म में 6 चैप्टर्स इंक्लूड है, ओवरऑल आपके बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट में 10 टॉपिक्स है, या फिर आप ये कह लो 10 यूनिट्स है, या फिर 10 चैप्टर्स इसके अंदर है. सो पार्ट ए में हम देखेंगे सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है दैट इज एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस. पहली बार तो यू नो इस पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं इसका नाम ही बिजनेस स्टडीज है, यानी कि आप कहीं ना कहीं यू नो बिजनेस के इर्द गिर्द घूमने वाले हो पूरे सब्जेक्ट में. इट इज यू नो बेसिकली द स्टडीज यू नो स्टडी रिलेटिंग टू द बिजनेस, क्या होता है बिजनेस, फाइनेंस कैसे कर सकते हैं बिजनेस को, बिजनेस के यू नो चलाने के लिए क्या क्या आइडियाज हमको चाहिए, कैसे हम इसको और बेटर बना सकते हैं. यू नो जिन भी लोगों को मैंने सुना है, बहुत बच्चों को शौक है बिजनेसमैन बनना है, यू नो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है, किसी के अंदर नौकरी नहीं होती, तो गाइज यही सब्जेक्ट आपके लिए बहुत काम आने वाला है. अदर देन गिविंग यू मार्क्स, यू नो 100 नंबर तो आपके अलॉट है ही इसमें, बट अदर देन दिस आपको सच में बिजनेस की नॉलेज मिलेगी कि कैसे बिजनेस को रन करते हैं, बिजनेस के बेसिक्स क्या है, टाइप्स क्या है, ये सब चीजें आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हो. तो अदर देन योर मार्क्स दैट इज योर 100 ये दिलाएगा, अदर देन दिस यू कैन हैव अ बेटर एक्सपीरियंस बिफोर एंटरिंग इन टू अ बिजनेस. देखो कोई भी चीज शुरू करने से पहले नॉलेज मांगता है ना, तो ये नॉलेज ये सब्जेक्ट देगा आपको. जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा. उसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे, क्या रिस्क होते हैं, कैसे हैंडल करना है. सो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे. तो जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, इसमें हम क्या सीखेंगे कि बिजनेस जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, कहाँ से इवोल्व हुआ, एंड व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, बेसिक्स क्या है बिजनेस के, बिजनेस के टाइप्स क्या होते हैं, बिजनेस में रिस्क होता है नहीं होता, ये पर्टिकुलर चीज हम इसमें सीखेंगे. देन वी हैव फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अब देखो जो बिजनेस होता है या बिजनेस जो चलाता है उसके अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कैसे. फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कंपनी है रिलायंस लिमिटेड, दैट इज अ कंपनी है. आप अपने पड़ोस में एक दुकान देखते हो जिसका ओनर वो खुद अंकल है,
तो अंकल बैठे होते राशन की दुकान पे आप मम्मी भेजते लाने के लिए, तो उसके ओनर तो कौन है हमारे जी, वो अंकल है, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप है, दो लोग मिलके बिजनेस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं पार्टनरशिप। तो अलग अलग फॉर्म्स तरीके होते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग फॉर्म होते हैं। इट कैन बी सोल प्रोप्राइटरशिप, मैं अकेले अपना चला रही हूँ, इट कैन बी यू नो पार्टनरशिप, ये हो सकता है कंपनी की फॉर्म में रजिस्टर करूं मैं, तो ऐसे टर्म्स आपको थोड़े नए लगेंगे मे बी। प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, यू नो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है, तो दैट्स ऑल यू नो फॉर्म्स में हम सीखेंगे। देन थर्ड चैप्टर इज लाइक पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। अब इसमें क्या होगा, पब्लिक क्या, पब्लिक एंटरप्राइज जिसमें पब्लिक का पैसा लगा है, प्राइवेट क्या, सिर्फ मेरा बिजनेस, ग्लोबल क्या होता है भाई, मल्टीनेशनल कंपनी सुनी है कितने सारे प्रोडक्ट्स मल्टीनेशनल कंपनीज के यूज हो गए, जिनका इंडिया से ज्यादा मतलब दो से ज्यादा या दो से अधिक कंट्रीज में इनका बिजनेस है, उनको क्या बोलेंगे, ग्लोबल एंटरप्राइज। आफ्टर जो फोर्थ चैप्टर है दैट्स अबाउट बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, या फिर बिजनेस सर्विसेज में क्या क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैं देती हूँ। सो माई नेम इज सी ए पायल मल्होत्रा एंड आई एम रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं भी यू नो जब चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज देती हूँ कंपनीज को, दैट्स अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस सर्विस यू नो। नेक्स्ट इज यू नो फिफ्थ इज एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। आप देखो जब शुरू में 100 साल पहले बिजनेस का कुछ अलग ही होगा माहौल, आज के टाइम पे यू नो बिजनेस कितना आप देखते हो, कोरोना यू नो आने के बाद इतने सारे ऑनलाइन बिजनेस रन होने लगे है ना, कोई फिजिकल आप कुछ खोलने की जरूरत नहीं, सब कुछ ऑनलाइन चलेगा, पैसा आएगा। तो दीज आर वट कि नए नए मोड्स आ रहे हैं हमारे पास बिजनेस करने के। जैसे पेमेंट के लिए क्या, पहले आप कैश रखते थे, मैंने देखा सब लोग कैश रखते थे, आज के टाइम में क्या है, सब्जी वाला होता है उसको भी आप क्या करो, पेटीएम कर दो, फोन पे कर दो, गूगल पे, वो क्या एमर्जिंग मोड्स आए पेमेंट करने के। इस तरह से बिजनेस के भी नए नए तरीके सामने आ रहे हैं, नए नए मोड सामने आ रहे हैं, दैट इज एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। लास्ट फॉर द यू नो मिड टर्म जिसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म के लास्ट चैप्टर क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। देखो बिजनेस यू नो इसलिए सेटअप किया जाता है सो दैट वी कैन मेक प्रॉफिट्स, भैया हम पैसा कमा सके, बट अदर देन दिस यू नो हर बंदे की अलोंग विद बिजनेस की अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो उसे फुलफिल करनी होती है, तो वो हम इसमें सीखेंगे। अब आता है पार्ट बी, पार्ट बी में क्या आएगा, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस मतलब आप खुद सोचो, पैसे के बिना हमारा काम नहीं चलता, तो बिजनेस चलाना तो बहुत दूर की बात है ना, घर नहीं चलता पैसे के बिना, पैसा कितना जरूरी है। तो बिजनेस में जो पैसा लगाना है उसके सोर्सेस क्या है, कहाँ से बिजनेस के लिए पैसा आ सकता है, वो इसमें पढ़ेंगे। अब देखो बिजनेस हर तरह के होते भाई, कोई छोटे होते हैं आपकी गली में जितनी दुकानें खुली हैं, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिकल की दुकान है, स्मॉल बिजनेस है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब बड़ा बिजनेस क्या, रिलायंस लिमिटेड है, इंफोसिस है, टाटा है, दैट्स अ बिग बिजनेस यू नो। नेक्स्ट आता है नाइन्थ चैप्टर इज इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड इज व्हाट, दैट इज विद इन द बाउंड्रीज, मेरा मतलब इंडिया के अंदर जो ट्रेड हो रहा है दैट हम उसको क्या बोल देंगे, इंटरनल ट्रेड। इसके कंपेरिजन में लास्ट जो चैप्टर है दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस, इंडिया से बाहर, यानी कि इसमें आपने अगर सुना हो वर्ड इम्पोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है ना, इम्पोर्ट क्या होता है बाहर से सामान मंगाना, एक्सपोर्ट क्या होता है बाहर सामान भेजना, अब मैन्युफैक्चर यहाँ पे कर रहे हो पर आप सेल कर रहे हो आउट ऑफ इंडिया, अब आपका सामान जाता है, हमारी कंट्री इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती है, तो इस पर्टिकुलर चीज के बारे में इस लास्ट चैप्टर में सीखेंगे। अब आता है मार्क्स एलोकेशन, ये तो हमने सीख लिया कि कौन मतलब इसका यू नो बेसिक हमने एक आइडिया ले लिया कि अब फलाना क्या पढ़ने वाले हैं, ये बहुत जरूरी है। तो बोलते हैं एक हेलीकॉप्टर व्यू ले लिया हमने कि हम नीचे जमीन पे नहीं उतरे हैं, हम ऊपर से जा रहे हैं एंड वी आर वॉचिंग वेयर क्या क्या वो एरिया है, ठीक है। तो हमने देख लिया, अब मार्क्स एलोकेशन देखते हैं। प्रैक्टिकल का मैंने आपको बताया 20 मार्क्स साइड कर दो, थ्योरी यानी कि एग्जाम दैट इज फॉर 80 मार्क्स। जो फर्स्ट ये ना ये जो दो चैप्टर है ये आपको दिलाएंगे 16 नंबर, 16 मार्क्स के ये दो चैप्टर्स है। फिर पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज और बिजनेस सर्विसेज, यानी कि थर्ड और फोर्थ चैप्टर इज ऑफ फॉर
40 marks. Then emerging modes of business and social responsibility, that is 5th and 6th chapter, yani ki 10 number, yani first term mein 16 or 40 kitna ho gaya, you know, 30, and then you have 10, that's 40. Ab part b, sources of business, finance and small business, yani ki 7th or 8th jo chapter hai ye aapka 20 marks ka, last jo chapter se ye aapka 20 marks hai. Ab dekho 40 idhar ho gaye एंड 40 अपने इधर हो गए, तो ये अपना हो गया टोटल 80 नंबर का पेपर तैयार. ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था. इसमें मैंने आपको, मैं चाहती थी कि मैं सिलेबस शुरू करने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ना एक बेसिक आइडिया हो जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं. और इस जर्नी में मजा आने वाला है. जितने भी लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो तो इसको, मैं कह रही हूँ घुस के पढ़ना, मैं कह रही हूँ सारे ही घुस के पढ़ना, बहुत काम की चीज़ है. आपको लगता होगा ये आपके सीनियर्स बोलते होंगे यार बहुत ही थ्योरी सब्जेक्ट है, मज़ा नहीं आता, बस रट के जाना होता है, फलाना ढिकाना. बट लिटरली एक अच्छी जर्नी आप सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करोगे. और मैं कहती हूँ बिजनेस के बेसिक्स तो सबको पता होना चाहिए, ये ना सबका मन करता है ओनर बनने का अपना खुद का, है ना. सो ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी. सो कल से मैं आपको चैप्टर वाइज वीडियोज डालूंगी, सो दैट आपको हेल्प हो. ये जो टर्म स्टार्ट हुई है अप्रैल से, जो भी अब 11th में प्रमोट हुए हैं, अभी एग्जाम जस्ट खत्म हुए हैं, सो आप सबके लिए वीडियोस फ्री रहेंगी. सो ऑल द बेस्ट वंस अगेन, थैंक यू एवरीवन. जस्ट गिव मी अ मोमेंट.